20 में भारत देश में 50% ऑफ द पीपल विल बी यंगस्टर्स, यूथ। अच्छा, जरा सोचिए, अगर ये सारे यंगस्टर्स समझदार होंगे तो देश कितनी तरक्की करेगा। लेकिन आज के स्टूडेंट्स को देख के मुझे सिर्फ सपना लगता है, डर लगता है। मैं सोचता रहता हूं कि इन्हें किस तरीके से सही। एक्सक्यूज मी सर, मैं कुछ कहूं? एक्सक्यूज मी एवरीबॉडी, आओ। थैंक यू। क्या टॉपिक है आज का? ओ, डिस्को मीटिंग। क्या प्रिंसिपल सर ने भाषण दिया है, कॉलेज और स्टूडेंट्स यानी बैट और बॉल। लेकिन क्या हम कॉलेज में सिर्फ पढ़ने के लिए आते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर पढ़ना ही होता तो हम कोई करेस्पोंडेंस कोर्स कर लेते। यहाँ सुबह सुबह कॉलेज में उठकर कौन आता? यहाँ हमारी फ्रेंड्स हैं, उनसे हम रोज मिलते हैं, बातें करते हैं, जनरल नॉलेज बढ़ाते हैं। एंड यस, ऑफ कोर्स क्लास में धमाल मचाते हैं। लेकिन एक बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्लास में पढ़ने वालों की जनरल नॉलेज मस्ती करने वालों के मुकाबले जीरो होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक पढ़ने वाला स्टूडेंट जा देखो बुक्स चाटते रहता है। हे बुजी, खड़ा हो जा। सुन, अगर हम तुझे मेन मार्केट के बीचों बीच छोड़ दें तो तू कौन सी बस पकड़ के घर आएगा? अब समझ में आया, पढ़ने वाले कुएं के मेंढक बन जाते हैं। कॉलेज वाले चाहते हैं स्टूडेंट्स के अच्छे रैंक्स आए, पेरेंट्स चाहते हैं बच्चा क्लास में टॉप करे। 16% स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स की इच्छाओं को पूरा ना करने की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। पिछले 3 सालों में 1600 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। यूथ के सुसाइड की खबरें बस छपती रहती हैं। इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने आत्महत्या की, नासिक के मेडिकल स्टूडेंट ने खुद को पंखे से लटका दिया, नागार्जुना यूनिवर्सिटी के पीजी स्टूडेंट ने खुदकुशी की, वाइजैक में 2 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। अगर वो रैंक नहीं लाते तो क्या वो किसी से कम है? यूथ को बार बार अच्छी परसेंटेज लाने के लिए प्रेशराइज करते हैं ये लोग। कॉलेज में, घर में स्टूडेंट्स को टॉर्चर करते हैं। यहाँ वो लेटर है जो एक स्टूडेंट ने सुसाइड करने से पहले अपने पेरेंट्स के नाम लिखा था। मुझे माफ कीजिए, मैं आपके सपने पूरे नहीं कर सकता, इसीलिए दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ। बेचारे के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2020 तक 50% दूर 20% स्टूडेंट्स भी जिंदा नहीं बचने वाले। दुनिया के सबसे कामयाब लोग मेरिट लिस्टर्स नहीं थे। फोन बनाया ग्राहम बेल ने, बल्ब की खोज की एडिसन ने, कंप्यूटर बनाया चार्ल्स ने, आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, नोबेल प्राइज विनर रविंद्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन, हरिगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ये रैंक होल्डर्स नहीं थे। लेकिन आज भी हम सब इन्हें मानते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इन पर प्रेशर नहीं डाला गया था। स्टूडेंट्स को ये मत सिखाइए कि एग्जाम में मार्क्स कैसे लाने हैं, उन्हें ये सिखाइए कि वो स्मार्ट कैसे बने, उनकी नॉलेज बढ़ाइए। हमें आज भी पुराना सिलेबस सिखाते हैं। दुनिया तेजी से बदल रही है लेकिन हमें वही घिसी पिटी पुरानी बातें सिखाई जाती हैं। ऐसा एजुकेशन सिस्टम किस काम का? कॉलेज अगर एक लेबोरेटरी है तो स्टूडेंट्स वो टेस्ट सब्जेक्ट्स हैं जिन पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। आज जरूरत है कि पूरे एजुकेशन सिस्टम को उखाड़ फेंकें। अगर स्टूडेंट पिकअप नहीं कर सकता तो उसमें उसकी क्या गलती है? गलती आपके प्रोसीजर की है। स्कूल में जाने वाले बच्चों की पढ़ाई इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया जाता? उन्हें पढ़ने का और खेलने का वक्त दिया जाता है, लेकिन क्या कॉलेज में जाने वाले बच्चों को सोचने का भी वक्त मिलता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। स्टूडेंट पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे लेगा जब कोई प्रोफेसर रोबोट की तरह आकर बस पढ़ा कर चला जाए? हमें सुधारना है तो पहले आपको बदलना होगा। स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली बदल जाएंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस कॉलेज से बस रट्टू तोते निकलेंगे, होनहार विद्यार्थी नहीं।